अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपका मेरे चैनल एंटी नेट फ्रॉग अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट, जो मैं इससे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट से मुतल्लिक कुछ अहम जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो मैंने बेसिक से लेसन वन से पढ़ाया था। ये लेसन टू है, आज ये लेसन टू मैं पढ़ाऊँगा। लेसन टू में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो लेसन टू में मैंने लेटर, लेटर्स, अल्फ़ाबेट, उसके बाद अल्फ़ाबेट के बाद वर्ड, वर्ड्स, और उसके बाद सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था। अभी मैंने तो सेंटेंस के बारे में पढ़ा दिया था, अब मैं मुकम्मल वर्ड्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो वर्ड्स को मैं लेके चल रहा हूँ। तो वर्ड्स में मैंने जो बताया था कि वर्ड्स किसको कहते हैं, तो वर्ड्स में आपको एक चीज मैं बताऊंगा। वर्ड का मतलब होता है लफ्ज, और वर्ड्स माने अल्फाज। ये चीज तो मालूम है आपको, मैं मुकम्मल बताऊंगा। मैं पिछले हफ्ते में बताया कि कोई भी विदाउट वावेल कोई भी वर्ड नहीं होता है, और वावेल और सेमी वावेल के बारे में बताया था। आज मैं वर्ड वर्ड के बारे में बताऊंगा, लफ्ज़ किसको कहते हैं। तो लफ्ज़ में बहुत से वर्ड हम उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, कैसे उसका तलफ़ मैंने उस पढ़ेंगे, किस तरह वो लफ्ज़ पढ़ा जाएगा, वर्ड पढ़ा जाएगा, उसको मैं पढ़ूंगा। तो एक चीज़ है, बहुत सा चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सी सी से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, सी जिस वर्ड में आता है, तो सी का तलफ़ुज़ जो है, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन जो है सी का, कभी कभी देखिएगा काफ का आता है और कभी सीन का भी आता है, कभी काफ का आता है, कभी सीन का आता है। तो हम कहाँ पे काफ का आएगा और कहाँ पे सीन का आएगा तलफ़ुज़, तो ये हमको जानने की कोशिश करना है। हम सी से कौन सा वर्ड स्टार्ट करेंगे, सी के बाद कौन सा लेटर इस्तेमाल करेंगे, तो जहाँ पे उसका तलफ़ुज़ काफ का होगा, और कौन सा लेटर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे उसका तलफ़ुज़ जो है सीन का होगा। तो ये चीज़ मैं बेसिक तरीके जो आपको बहुत कम सीखने को मिला होगा, बहुत कम ही आपने जाना होगा कि सी का तलफ़ुज़ कहाँ से। तो ये मैं आज को आपको बताऊंगा कि जब जब भी सी के बाद आई, ई और वाई, आई ई और वाई, जब सी के बाद आई ई वाई का इस्तेमाल करेंगे, आई या ई या वाई, इन तीनों में से कोई भी लेटर को इस्तेमाल सी के बाद इस्तेमाल, तो सी का तलफ़ुज़ जो है मेरा क्या हो जाएगा, सीन का हो जाएगा। अब बाकी सब के साथ मेरा काफ का तलफ़ुज़ निकलेगा। अब जैसे मिसाल एक मैं पेश कर रहा हूँ, जैसे का, यहाँ पर इसका तलफ़ुज़ क्या है, का, इसको हम अगर उर्दू में लिखेंगे तो क्या आएगा, कार। समझ में आया ना? अब जैसे मिसाल के तौर पर आपको कार है, कप है, यहाँ पर इसको तलफ़ुज़ क्या आ रहा है, काप का, देख रहे हैं ना? तो यहाँ पर बहुत सा ऐसा है। अब यहाँ पर जैसे आई, जैसे मिसाल के तौर पर आपको लिख देना साइकिल, तो यहाँ पर सी का तलफ़ुज़ क्या हो गया, सिंह का। साइकिल हम कैसे लिखते हैं, साइकिल सीन से लिख रहे हैं। तो ये समझ में आ गया। अभी और मैं मिसाल पेश कर रहा हूं, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि सी के बाद, सी के बाद यानी के बाद अगर आई, ई या वाई, इन तीनों में से कोई भी एक लेटर अगर सी के बाद आता है, तो उसका तलफ़ुज़ हम क्या हो जाएगा, सीन की तरह निकलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर साइकिल, देखिए यहाँ पर सर्किल, सर्किल, साइकिल, उसके बाद है सेंचुरी, देखिए समझ में आ रहा है, साइकिल, सर्किल, सेंचुरी,
और कोई देखिए वाई भी आया, आई भी आया, ई भी आया, तो इन तीनों में से कोई भी लेटर अगर सी के बाद इस्तेमाल होगा तो उसका तलफ़ुज़ क्या होगा, वाई के, उसके तलफ़ुज़ सीन के तरह निकलेंगे। अब बाकी जितना भी लेटर अगर सी के साथ आता है तो उसका तलफ़ुज़ काफ का होगा, जैसे कार है, कार के बाद अभी मैं आपको बताऊँ कफ भी मैंने बताया, उसके बाद है कफ है, कार है, ये बहर जो भी हो, जो भी है, आप जैसे क्लोन, यहाँ पर काफ निकला, क्लोन है, उसके बाद है साइक्लोन है, यहाँ क्लोन, क्लोन यहाँ काफ पर निकला, उसके बाद है देखिए जो भी हो, यहाँ पर सी का, सी के बाद जब भी आई या ई या वाई आएगा तो उसका तलफ़ुज़ सिन की तरह निकलेगा, और आई ई वाई के अलावा बाकी जो भी लेटर उसके साथ आएगा तो उसका तलफ़ुज़ काफ की तरह निकलेगा। ये आपको जहन में रखना है, याद रखना है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जी से कोई भी वर्ड लिखते हैं तो कभी उसका तलफ़ुज़ गाव की तरह निकलता है, कभी उसका तलफ़ुज़ जिम की तरह निकलता है, ये भी अपर। जी से कोई भी वर्ड अगर बनता है तो कभी उसका तलफ़ुज़ गाव की तरह निकलता है, कभी उसके साथ जिम की तरह निकलता है। तो अब हम किस कहाँ पर उसका तलफ़ुज़ गाव की तरह निकलेगा और कहाँ पर उसका तलफ़ुज़ जिम की तरह निकलेगा, ये हम पकड़ने की कोशिश करें। जी के साथ, जब भी जी के साथ हमेशा ये ई आए, जब भी जी के साथ ई आए तो वहां पे उसका तलफ़ुज़ जीम की तरह निकलेगा, और जब भी जी के साथ ई नहीं आए तो वहां पे उसका तलफ़ुज़ क्या होगा, गाप की तरह। जैसे मैंने अभी मिसाल दिया गम, गम है और जी के साथ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गम हो गया, यहाँ पर जर हो गया, यहाँ पर उसका तलफ़ुज़ जीम की तरह निकला, यहाँ पर उसका तलफ़ुज़ जीम की तरह निकला। और मिसाल दे दे रहे हैं, जैसे है लॉज, देखिए लॉज है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहीं पर डॉग, डॉग हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो जहाँ पे जी के साथ जब भी ई आए तो उसका तलफ़ुज़ जीम की तरह निकलेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन जीम की तरह निकलेगा, और जब भी जी के साथ ई आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाए, जीम की तरह निकलेगा। ये आपको याद रखना है, ये चीज़ मैंने बता दिया। एक चीज एस, एस का तलफ़ुज़ जो है आपका जे भी आता है, शीन भी आता है, सीन भी आता है, से भी आता है और सा भी आता है, याद रखिएगा। एस जब भी जे भी आता है, शीन भी आता है, सीन भी आता है, शे भी आता है, सा भी आता है, याद है कि जब भी हमेशा सिंगल एस होगा तो वहां पे उसका तलफ़ुज़ क्या हो जाएगा, सीन से सा, सीन से सा, याद है। जैसे साबिर, मैंने कोई नाम लिखा साबिर, तो यहाँ पर इसका तलफ़ुज़ साद होगा, है ना, साजिद, साजिद लिखा मैंने, तो यहाँ पर उसका तलफ़ुज़ सीन होगा। लेकिन सीन अगर जब भी आएगा तो हमेशा जब भी सीन के साथ हमेशा एस एच, अगर इस सीन के साथ एच इस्तेमाल हो गया तो वहाँ पर उसका तलफ़ुज़ क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। अब जे में हो जाएगा, जैसे जैसे एग्स, तो यहाँ पर क्या होगा, एग्स होता है, यहाँ पर उसका तलफ़ुज़ जे हो गया, यानी जी के बाद आखिर में जब भी एस इस्तेमाल होता है, ट्राइब्स, TREBS, यहाँ पर एस हमेशा जब भी इस्तेमाल हो, एस आखिर में इस्तेमाल हो तो वहाँ पर तलफ़ुज़ उसका जे होता है।
याद रखिए। एस जब भी लास्ट में आया तो उसका तलफ्फुज़ ज़े होता है, याद रखिएगा। तो ये हमने वर्ड के बारे में आपको पूरा बता दिया, वर्ड किसको कहेंगे वर्ड के बारे में हमने बता दिया। अब कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसको जानने के लिए, वर्ड को जानने के लिए हमको बारीकी से जानना पड़ता है वर्ड किसको कहें। अब यहाँ पर आज मैं आपको बताऊँ, वर्ड है बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कुछ लेटर साइलेंट हो जाते हैं, और बहुत से वर्ड होते हैं जिसमें कुछ लेटर साइलेंट हो जाते हैं जिनको पढ़ा जाता है, और कुछ लेटर ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पढ़ा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, जैसे नॉलेज है, नॉलेज में तो क्या यहाँ पर साइलेंट है? नो है, यहाँ पर इसको साइलेंट है। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इसको सही से लिखें। साइकोलॉजी है तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर साइकोलॉजी तो यहाँ पर पी साइलेंट हो गया है। तो इस तरह के बहुत से वर्ड हैं जो जिसमें कुछ वर्ड कुछ लेटर साइलेंट हो जाते हैं जो पढ़ा नहीं जाते हैं। जैसे ऑनर है, एच ओ एन ओ यू आर, तो यहाँ पर ऑनर पढ़ता है, क्या पढ़ता है? ऑनर, तो यहाँ पर एच साइलेंट हो जाता है। आवर है, एच ओ यू आर, आवर, क्या पढ़ता है? आवर, तो यहाँ पर जो है एच साइलेंट हो जाता है, आवर पढ़ाता है। तो ये चीज़ याद रखिए, कुछ वर्ड में ऐसे हैं जो जो साइलेंट होते हैं। तो साइलेंट वर्ड जो आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत से जगह पे निमोनिया है, बहुत तरह का ऐसा वर्ड है जिसमें कुछ लेटर जो है साइलेंट हो जाते हैं। तो ये हमने वर्ड के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल कर ली। अब हम जो है सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस किसको कहेंगे, जो हमको सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। बहुत तेजी से साथ मैं लेके चलूंगा आपको। सेंटेंस का मतलब होता है जुमला। जुमला कहते हैं एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। अब यहाँ जुमला कहते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी एक से ज्यादा लफ्ज, यानी एक से ज्यादा लफ्ज जब मिल जाते हैं और मानी पैदा करते हैं तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। यानी लफ्ज़ों के मजमुआ को हम सेंटेंस कहते हैं, लफ्ज़ों के मजमुआ को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब ये चीज़ तो हमने जानी है कि सेंटेंस किसको कहते हैं। और सेंटेंस के लिए हमेशा देखिएगा, सेंटेंस में कभी भी एक सब्जेक्ट होता है और एक दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट और उसका और बाकी जो हिस्सा होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट जैसे आई एट मैंगो, हमने कहा तो आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं प्रेडिकेट, जो आई को फॉलो करता है। प्रेडिकेट मैंने होता है इसको फॉलो करता है, आई को फॉलो कर रहा है तो इसको हम कहते हैं। लेकिन आमतौर पे कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आमतौर पे ये तो मैंने दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट। तो आई यहाँ पर क्या हो गया, इसको कहेंगे सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट हो गया आई और बाकी प्रेडिकेट। ये मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर सेंटेंस को मैंने लिया। अब सेंटेंस में आमतौर पर सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इस चीज की जरूरत पड़ती है। याद रहे, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज होता है कि वर्ब सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एस या ईएस वर्ब में हम इस्तेमाल करते हैं, हमेशा वर्ब में इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट, अच्छा वर्ब भी दो तरह, एक स्ट्रॉन्ग वर्ब एक वीक वर्ब। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब जिसको हम कहते हैं, जैसे एक वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब को हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं और वीक वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, हेल्पिंग माविन वर्ब, जो बहरहाल
ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। तो बहरहाल अभी उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने सेंटेंस के बारे में बताया, सेंटेंस किसको कहते हैं। तो सेंटेंस में आमतौर पर कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर अब हम कहेंगे आई ईट मैंगो, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, इट जो है ये वर्ब हो गया, और ये मैंगो जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे ही इज ए बॉय, तो यहाँ पर ही जो है सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, ए एक आर्टिकल है और बॉय है ये ऑब्जेक्ट है, यानी इसको पूरा हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, अ बॉय इसको हम पूरा ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो बहरहाल मैंने कहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ए बॉय जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह ये हम जुमला, हमने समझ लिया कि जुमला किसको कहेंगे, ये हमने बना लिया। अब जुमला की पांच किस्म होती है, ये जो हम लोग को जानना है, जुमले की पांच किस्म होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, तो देयर आर फाइव सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर, यानी पांच सेंटेंस होते हैं जिसमें सब। हाँ, तो हमने सेंटेंस के बारे में जान लिया, सेंटेंस लेसन आमतौर पर सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, तो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर द इंग्लिश ग्रामर, यानी सेंटेंस जो है पांच तरह के होते हैं। सबसे पहले है आपका एसर्टिव सेंटेंस, जिसको हम एसर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं, एसर्टिव सेंटेंस जिसको हम एसर्टिव सेंटेंस एस डबल एस ई आर टी आई वी ई एसर्टिव, एसर्टिव को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक अफर्मेटिव होता है एक अफर्मेटिव कहते हैं, और दूसरा को कहते हैं नेगेटिव। एसर्टिव सेंटेंस के दो से एक अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अच्छा, अफर्मेटिव यानी स्टेटमेंट जिसको कह सकते हैं, जिसमें हाँ वाला जुमला, और नेगेटिव जो इनकारिया जुमला जिसको कह सकते हैं। एसर्टिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं, ये तो हमने एसर्टिव को कहा था अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो जैसे जिस जो सेंटेंस हाँ में हो, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, मैंने कहा मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पर हाँ वाला जुमला है, ये स्टेटमेंट है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम ए बॉय, यू आर ए टीचर, तो ये स्टेटमेंट है, तो इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसी को अगर हम यहाँ पर नॉट लगा दें, आई एम नॉट ए Not a student, I'm not a boy, you are not a teacher, अगर यहाँ पे not लगा दिए तो इसको हम कहेंगे negative sentence, याद रहेगा, यानी इनकारिया जुमला, जिसको हम इनकारिया जुमला कह सकते हैं। अच्छा, याद रहे कि जब भी sentence जब भी खत्म हो उसके आखिर में एंड में फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, अगर फुल स्टॉप आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसको अफर्मेटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, हम मैंने समझाया। अब इधर आते हैं, हमने कहा अफर्मेटिव नेगेटिव का सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस उसके बाद होता है, दूसरा होता है आपका एसर्टिव सेंटेंस के बाद होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो तरीके से लिखते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल जुमला, साइन ऑफ एस इंट्रोगेशन पेश किया जाता है, सवाल जुमला यानी व्हाट हाउ व्हाई, ये जो हम पेश करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से लिख सकते हैं, एक दो तरह से होते हैं, एक जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, और एक जिसका जवाब आप जो है फुल सेंटेंस में आपको देना होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा आर यू टीचर, क्या आप टीचर हैं, तो आप इसका जवाब क्या देते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। आर यू स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं यस। लेकिन अगर मैंने पूछा व्हाट इज योर प्रोफेशन या व्हाट इज यू, व्हाट आर यू, ये प्रश्न हमने पहले व्हाट इज योर फादर,
तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? तो हमने पूछा व्हाट इज योर फादर, तो माई फादर इज ए सर्विस मैन, माई फादर इज ए ड्राइवर, माई फादर इज ए बिजनेस मैन, जो भी आप लिख सकते हो। तो इसका फुल सेंटेंस में, लेकिन हमने पूछा जैसे कि आर योर फादर इज योर फादर ए सर्विस मैन, क्या तुम्हारे वालिद एक सर्विस मैन है, तो क्या बोलोगे? यस या नो में पूछ सकते हो, नो में जवाब दे सकते हो। तो ये एक का जवाब जिसका हाँ या ना में दे सकते हैं, और एक का जवाब जिसका हम जो है फुल सेंटेंस में, जैसे मैंने पूछा आर यू ए टीचर, यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो आर यू टीचर, तो इसका जवाब आप क्या दीजिएगा, आंसर लिखेगा यस। अब यहाँ पर पूछेंगे व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन, इसका जवाब क्या बोलेगा? यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर इसको फुल सेंटेंस में आपको जवाब देना होगा, आई एम ए टीचर, बस इस तरह का आप माई प्रोफेशन इज जो भी हो आप अपना बता दीजिएगा, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, जो भी हो लिखो। तो इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा तीसरी किस्म जो है वह है आपका एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें कमांड कमांड या रिक्वेस्ट का जिक्र होता है, जिसमें कमांड कमांड्स या रिक्वेस्ट, जिसमें हुक्म या गुजारिश जिस जुमले में इस्तेमाल हो उसको कहते हैं कमांड या रिक्वेस्ट, उसको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब हमने कहा जैसे मिसाल के तौर पर आपको कहा कमांड्स दिया गो डाउन, नीचे जाओ, जैसे है गेट अप, खड़े हो जाओ, ये है ना, जैसे हमने कहा उठो, गेट अप, हमने उठो गेट अप। तो ये जैसे ये हम क्या होते हैं, इसको हुक्म या जुमला देंगे, ये हमने हुक्म दिया बी साइलेंट, बी साइलेंट, बी साइलेंट, इस तरह के जुमलों को हम क्या कहते हैं, इसको हुक्म है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब रिक्वेस्ट में आ जाइए, कमांड्स हो गया, अब रिक्वेस्ट में हम आ जाएंगे, तो रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे, अब आपसे मैंने पूछा प्लीज गिव मी प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह का प्लीज कम मी, या इस तरह के जुमले को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हुक्म या गुजारिश का इस्तेमाल हो उसको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस मैंने बता दिया। अब यहाँ पर चौथा चौथी इसकी किस्म है, चौथी किस्म को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है जिस जुमले में हैरत या ताज्जुब का जिक्र हो, जिसमें हैरत या ताज्जुब का हम जिक्र करेंगे उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हमने क्या, हाउ वेरी हॉट अ डे इज, यहाँ पर जब एंड करेंगे तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करेंगे, हाउ वेरी हॉट अ डे इज, आज कितनी गर्मी है, ये है इज जब आ गया तो ये हमने कि आज कितनी गर्मी है, यानी आज कितनी गर्मी का दिन है, दिन। तो ये क्या है, हमने ताजुब का इजहार किया, तो इसको कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और तरह का मिसाल है, जैसे मैंने क्या कि व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री, व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री, ये है That is a good news, इस तरह का सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं, हैरत का इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और याद रहे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल जरूर करेंगे, दैट इज अ गुड न्यूज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल जरूर करेंगे, ये एक्सक्लेमेटरी। और पांचवी किस्म जो होती है,
वो है, उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवें किस्म को क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवें किस्म को हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस उस जुमला को कहते हैं जिसमें दुआ या नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाए, दुआ दिया जाए या नेक ख्वाहिशात, दुआ दी जाए या नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाए, उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहते हैं जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह के जुमले जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये हमने सेंटेंस की पाँच किस्में हैं जिसको अच्छी तरीके से बता दिया, और मजीद हम इसमें और जानकारी हासिल करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस पे सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, वन हैज सब्जेक्ट एंड सेकेंड हैज प्रेडिकेट। मैंने बताया सेंटेंस को आमतौर पर बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एसएनएस प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जो मैंने बता दिया। तो सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस की पांच किस्में हैं मैंने मुकम्मल तौर पर बता दिया, ये आपको इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानकारी हासिल करनी है। मैं अगले वीडियो में अब इसके बारे में सेंटेंस को और अच्छे तरीके से इसमें जानने की कोशिश करेंगे और इसमें मजीद और पोख्तगी पैदा करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जो है इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझ लें और आसानी से हम इंग्लिश के क्वेश्चन हल कर पाएँ। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।